नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजनाथ। आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल इंडियन टेक्समिथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के बेसिस पे डेटाबेस डेवलपमेंट के बारे में बेसिक्स। और ये वीडियो 8 सेशंस में डिवाइडेड है, जिसमें कि पहले 3 सेशन में हम थ्योरी करने वाले हैं, उसके बाद बाकी जितने 5 सेशंस है उसमें हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल भी मिस नहीं करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पार्ट आप यहाँ पर मिस ना करें और वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो डेटाबेस को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा क्या होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखें, तो उसे हम डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है डेटाबेस। अब 1960 से पहले क्या होता था, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर बहुत कोई बहुत बड़ा डेटा है उसे स्टोर करने में हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसीलिए 1960s में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम था डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो 1960s में आया था, ताकि हम बहुत बड़े डेटा को भी एक ईजी वे में स्टोर करके रख सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं DBMS क्या होता है। तो DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे काफी ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो आपको डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब किसी भी डेटा को हम डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म्स में यानी क्या, यहाँ पर रोज और कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब डेटा को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला फ्लैट डेटा और दूसरा रिलेशनल डेटा। फ्लैट डेटा में क्या होता है, फ्लैट डेटा में एक सिंगल टेबल होता है और उसमें हम बहुत कम अमाउंट का डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिलेशनल डेटा की, तो रिलेशनल डेटा में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो और वहां पर मल्टीपल टेबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक किए हुए होते हैं। यानी फ्लैट डेटा में कम अमाउंट ऑफ डेटा और सिंगल टेबल, वहीं रिलेशनल डेटा में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और मल्टीपल टेबल्स जो कि एक दूसरे से लिंक किए हुए होते हैं। अब मान लीजिए आप इंटरनेट पे कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलेगी जहां पर आपको अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि आपका नेम हो गया, अपना ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, तो ये सब आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप जिस तरह से उस वेबसाइट को देख रहे हो जहां पर आप फॉर्म भर रहे हो, जो वो वेबसाइट आपके सामने जिस तरह से विजिबल हो रही है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, ये हो गया फ्रंट एंड। अब आप जो इन्फॉर्मेशन वहां पर भरोगे, जैसे कि अपना नेम हो गया, मान लीजिए आपने अपना नेम भर दिया। ठीक है, आपने अपना नेम भरा तो आपका जो नाम है वो उसके डेटाबेस सर्वर पर गया। ठीक है, वहां पर जाके वो स्टोर हो गया। ठीक है, तो वो उसके डेटाबेस पर स्टोर हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है और बैक एंड जहां पर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये थे दो फेसेस किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट की। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट को यूज करते हो तो उसके दो फेसेस होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अभी जो यहाँ पर सिस्टम है फ्रंट एंड और बैक एंड का, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटाबेस सर्वर किसे कहते हैं। तो डेटाबेस सर्वर ऐसे डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जहां पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है और वहां पर से हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो उन कंप्यूटर्स को हम डेटाबेस सर्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं RDBMS क्या होता है। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो RDBMS वैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें रिलेशनल डेटा को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशनल मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको बताना है कि IBM के सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी के EF कॉर्ड ने रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हम बात
बात करते हैं कि टेबल्स क्या होता है। टेबल सिंपली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर हम अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जहां पर रोज और कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रोज को हम यहां पर टपल्स भी कहते हैं और कॉलम्स को हम यहां पर फील्ड्स भी कहते हैं। तो ये हो गया एक टेबल। तो अब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप डेटाबेस में टेब्यूलर फॉर्म में अपना डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू डालनी होती है अपने टेबल में तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की होती है। जैसे कि मुझे अपना नाम डालना है अपने टेबल पे, ठीक है। तो नेम, तो हमारा नेम क्या कंटेंट करेगा, अल्फाबेटिकल लेटर्स कंटेंट करेगा। और अगर हम अपना फोन नंबर डालना चाहें तो वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो हमारे डेटा किस टाइप का है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। अब जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें उस टेबल को बताना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर करें, ठीक है। तो चलिए डेटा टाइप्स को हम और डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको डेटा टाइप्स पूरे अच्छे से समझ में ना आए, आपको बहुत कन्फ्यूजन लगे अपने माइंड में, लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में यहाँ पर आपको नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं और ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, यानी कि जैसे कि इसका रेंज, कि ये कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बूलियन, यहाँ पर इसमें जो वैल्यूज़ है वो 0 या 1 के फॉर्म में हो सकती है सिर्फ, यानी इसे हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में अगर हमें कोई इनपुट चाहिए, या फिर येस और नो के फॉर्म में अगर हमें कोई इनपुट चाहिए तो हम बूलियन का यूज़ करेंगे। टिनी इंट, यानी टिनी इंटीजर, कोई इंटीजर का छोटा वैल्यू जिसमें छोटे साइज़ का इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेंज लिखा हुआ मिल जाएगा बिटवीन 0 to 225, यानी 0 to 255 इसका रेंज है, ठीक है। तो इसी तरह के आपके बहुत सारे डेटा टाइप्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेनली न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोग मेनली कौन सा यूज़ करने वाले हैं, मेनली हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंटीजर को, ठीक है। और फिर हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिक को, और डेसिमल को भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग 3 मेन डेटा टाइप्स को यूज़ करने वाले हैं, जो कि है इंटीजर, न्यूमेरिक और फिर डेसिमल, ठीक है। इन चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं, ब्रॉडली हम इन्हीं तीनों को यूज़ करते हैं। बाकी ये सारे भी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। ये ऐसे डेटा टाइप्स है जिसमें आप नंबर भी डाल सकते हो और कैरेक्टर भी डाल सकते हो, यानी कि कोई सिंबल वगैरह या फिर अल्फाबेटिकल लेटर्स, ये सब आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है लॉन्ग वेयर कर, यानी ये वेयर कर का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेंज लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये डेटा टाइप, यानी कि यहाँ पर ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर। तो अब हम बात करेंगे बाइनरी डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी इमेज फाइल या फिर आप कोई MP3 फाइल, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट की फाइल की एंट्री यहाँ पर करवा सकते हो, ठीक है। कहाँ पर? बाइनरी डेटा टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स हैं उसके, यहाँ पर आप चाहो तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर, जिसका नाम है डेट डेटा टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी टेबल में डेट की वैल्यू डालनी है तो आप डेट का डेट डेटा टाइप का यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आप टाइम भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पहले देख सकते हो, यहाँ पर फॉर्मेट किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप सही सही वैल्यू उसमें डाल पाओ, ठीक है। फिर टाइम भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी है, जिसमें कि आप डेट और टाइम दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और क्लासिफिकेशन रखा है डेटा टाइप्स का, जो है अदर डेटा टाइप्स। इसमें कौन सा डेटा टाइप है, अदर या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जावा ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली किन किन डेटा टाइप्स के बारे में जानना है, यहाँ पर हमें डेट डेटा टाइप के बारे में जानना है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में जानना है और न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में जानना है, ठीक है। ये हमारे लिए अभी काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि की फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो की फील्ड समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम दोनों सेम दिख रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन अब नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये जैकेट पहना हुआ है, लेकिन इसने ये जैकेट नहीं पहना हुआ है। तो यहाँ पर मेरे अंदर क्या यूनिक हुआ, मेरे अंदर कुछ यूनिक है ये जैकेट। तो अब इस जैकेट की वजह से लोग हमें डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर की फील्ड का भी है। की फील्ड में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक टेबल दिया गया, ठीक है, और उस टेबल में बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि आईडी हो गया, नेम हो गया,
एड्रेस हो गया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोगों का नाम सेम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। और अगर अब हम बात करें यहाँ पर एड्रेस के बारे में, तो क्या दो या दो से ज्यादा लोगों का एड्रेस सेम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पर एक यूनिक फील्ड का यूज कर सकते हैं जो कि है आईडी, ठीक है। आईडी बहुत सारे पर्सन की सेम नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर आईडी जो है वो यूनिक फील्ड है। तो ये जो यूनिक फील्ड है उसे हम कहते हैं की फील्ड, ठीक है। की फील्ड बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया। तो प्राइमरी की वही है कि अगर आपने एक सिंगल टेबल में कोई यूनिक फील्ड रखा है तो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। अब अगर हम बात करें फॉरेन की, मान लीजिए आपके पास दो टेबल्स हैं और दोनों आपस में लिंक किए हुए हैं, ठीक है। सेम डेटाबेस में आपके पास दो टेबल्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक किए हुए और दोनों में एक एक प्राइमरी की है, ठीक है। और वो जो दोनों प्राइमरी की का जो फील्ड है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो दोनों प्राइमरी की का जो फील्ड है उसे हम फॉरेन की कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है की फील्ड का होना किसी भी टेबल में, जिसकी वजह से हम हर एक रिकॉर्ड में यूनिकनेस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम और डिटेल में समझते हैं। तो की फील्ड के हम यहाँ पर दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, वैसे तो दो के अलावा भी होते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो ही बताने वाला हूँ। तो पहला है प्राइमरी की और दूसरा है फॉरेन की, ठीक है। तो इन दोनों को समझने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक टेबल में एक यूनिक फील्ड होना ज़रूरी है, हम कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो हर एक टेबल में एक यूनिक फील्ड होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग टपल्स को, हम लोग रोज़ को टपल्स भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग कॉलम को फील्ड्स भी कहते हैं और रोज़ को टपल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग टपल्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें, इसके लिए एक यूनिक फील्ड यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है। और उस यूनिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। मान लीजिए आप एक ऑनर हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आपका सेलफोन्स का बिजनेस है, आप सेलफोन्स बेचते हो, सेम टाइप के आप सेलफोन्स बेचते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि आप जितने भी सेलफोन्स बेच रहे हो, जितना भी ऑर्डर्स वगैरह आ रहा है, वो सारा का सारा आप जो रिकॉर्ड्स है वो सारा का सारा आप अच्छे से स्टोर करके रख पाएँ, ठीक है। और आप ये भी चाहते हो कि जितने लोग आपसे सेलफोन्स खरीद रहे हैं उनकी भी डिटेल्स आपके पास स्टोर किए हुए हों, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप दो टेबल्स बनाओगे, ठीक है। इस केस में आप दो टेबल बना सकते हो, एक सेल्स टेबल जिसमें आप अपने ऑर्डर्स का डिटेल लिख सकते हो, और एक बनाओगे क्लाइंट टेबल जिसमें आप अपने सारे क्लाइंट्स का डिटेल स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये काम करोगे अगर आपको दोनों चीज़ें स्टोर करके रखनी है। तो अब आप इन टेबल्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर क्लाइंट आईडी क्लाइंट टेबल में भी है और सेल्स टेबल में भी क्लाइंट आईडी है, यानी कि हम लोग इस प्राइमरी की को दोनों टेबल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्राइमरी कीज़ जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में हैं उन्हें हम फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। तो ये था प्राइमरी की और फॉरेन की। तो डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर दो लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। पहला DDL और दूसरा DML। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरा DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पहले हम बात करेंगे DDL के बारे में, ठीक है। तो DDL क्या है, DDL ऐसा लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। किसके जरिए DDL के जरिए। तो इस लैंग्वेज में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाते हैं, यानी बहुत सारे कमांड्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ऑल्टर हो गया, क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर DML के बारे में, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। इससे क्या होता है, इसमें हम अपने टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हम अपने टेबल के डेटा को मैनेज कर सकते हैं। DDL में क्या होता था, वहाँ पर हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मैनेज करते थे, लेकिन यहाँ पर DML में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अपने टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने टेबल के डेटा को मैनेज कर सकते हैं कहाँ पर, DML में, ठीक है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, ठीक है। अब DML में SQL भी आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, ये DML में भी आता है। वैसे तो DML दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पहला प्रोसीजरल और दूसरा नॉन प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल में क्या होता है, प्रोसीजरल में किसी भी यूजर को कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर को ये बताना होता है कि उसे कौन सा डेटा चाहिए और उस डेटा को वो कंप्यूटर कैसे हासिल कर सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी है जो है नॉन प्रोसीजरल, ठीक है। नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल में
आपको बस इतना बताना होता है कि आप अपने डेटाबेस में से कौन सा डेटा एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, कौन सा डेटा आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तो ये होता है नन प्रोसीजरल में, जो कि बहुत इजी है प्रोसीजरल के मुकाबले। और डीएमएल में भी आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे कमांड्स मिल सकते हैं यहाँ पर, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऐसे बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं यहाँ पर डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हुआ डीएमएल और डीडीएल। तो बहुत हो गई थ्योरीज, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि हम यहाँ पर एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम भी कोई डेटा एंट्री नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल एक डेटाबेस का एक फाइल तैयार करने वाले हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे मैं करने वाला हूँ ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो वैसे तो आपको इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ओपन ऑफिस बेस का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो ओपन ऑफिस को डाउनलोड करना, तो उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरा एक ओपन ऑफिस का पैकेज मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, तो उसमें से ओपन ऑफिस बेस एक है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस का काम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी एक डेटाबेस का फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। तो ओपन ऑफिस बेस को हमें ओपन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा ओपन ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन ऑफिस, बगल में इसका वर्जन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर नीचे यहाँ पर ये जो ओपन ऑफिस है, ये पूरा पैकेज है हमारा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हमें बहुत सारा टूल्स मिल जाता है, तो उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ओपन ऑफिस बेस, जो कि हमको पहले नंबर पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो ओपन ऑफिस बेस का जो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसके लिए एक नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ डेटाबेस वन, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस का फाइल है वो ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मेरा डेटाबेस का फाइल खुल चुका है, लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पर एक एरर शो होता है कि आपके कंप्यूटर में JRE नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे फिक्स करें, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको वो एरर फेस करना पड़ रहा है तो, ठीक है। अगर वो एरर आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप वो वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया कि आप उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसे रिजॉल्व करें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक डेटाबेस का फाइल को तैयार कर सकते हैं, हालांकि ये अभी पूरी तरह से खाली है, लेकिन डेटाबेस का एक फाइल यहाँ पर तैयार हो गया है, ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस के ग्रुप के नीचे यहाँ हमें चार चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। पहला है टेबल्स, फिर क्वेरीज, फिर फॉर्म्स, उसके बाद रिपोर्ट्स। तो इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने डेटाबेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने डेटाबेस को टेबल्स के फॉर्म में भी मैनेज कर सकते हैं। टेबल्स यानी अगर आपने एक्सेल वगैरह में काम किया हुआ है तो आप इससे फैमिलियर होगे, ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। और फिर क्वेरीज डाल के भी आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम SQL के कमांड्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर हम फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स बनाकर भी हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स का आपको टैब दिख रहा है, यहाँ पर से क्या होता है, हमने डेटाबेस में भी जितना भी काम किया है उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट आप ये रिपोर्ट्स वाले टैब में देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म्स में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ टेबल यानी कि जहाँ पर रोज और कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस में हम टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम टेबल में डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपने डेटाबेस वाले फाइल को ओपन करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा मैंने अपने डेटाबेस जो है वो डेस्कटॉप में सेव किया था, तो मैं यहीं से इसे ओपन करूंगा। यही वाला फाइल है डेटाबेस वन, ठीक है। मैं इसे ओपन करूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद हम यहाँ पर टेबल्स के टैब पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, अब यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू, ठीक है, इसी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। डबल क्लिक नहीं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है।
चलिए सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फील्ड का नाम डालना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फील्ड यानी कॉलम होता है, ठीक है, और रोज़ को हम लोग टपल्स भी बोलते हैं डेटाबेस में, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर फील्ड नेम डालना है, ठीक है। तो फील्ड नेम हम कुछ यहाँ पर फील्ड के नेम्स डाल देते हैं, जैसा पहला एक हम यहाँ पर नेम डाल देते हैं सिंपल। उसके बाद रोल नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, रोल नंबर, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर मार्क्स डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर एड्रेस भी डाल देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर चार फील्ड नेम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने चार कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है फील्ड टाइप। अब यहाँ पर आपको आएगा डेटा टाइप का काम, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था डेटा टाइप का यूज़ करने के लिए, आपको ठीक उसी तरह से यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट और वेयर कैर, ठीक है। आप जैसे ही इसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। आप जब यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो आप कौन सा डेटा टाइप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेम के लिए तो वेयर कैट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करना चाहते हैं। फिर रोल नंबर, रोल नंबर के लिए हम यहाँ पर एक इंटीजर, रोल नंबर के लिए हम एक इंटीजर का डेटा टाइप चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इंटीजर हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मार्क्स, मार्क्स के लिए भी हम इंटीजर चूज़ कर लेते हैं, इंटीजर। अगर आप यहाँ पर टाइप भी करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा IN। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेटा टाइप का कुछ लेटर्स लिखा, इसने मुझे खुद सेलेक्ट कर दिया कि यहाँ पर क्या डेटा टाइप हो सकता है, या फिर तो आप यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ एड्रेस, एड्रेस में भी मैं वेयर कैर लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने अपने टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। वैसे अभी ये टेबल का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फील्ड नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर है फील्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंट्री रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन, अगर आप इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यस या फिर नो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई डेटा का एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या नेम का वैल्यू आप खाली छोड़ सकते हो या फिर नहीं। अगर आप चाहते हो कि नेम अगर खाली भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप नो पे रहने दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नेम रहना चाहिए तब उसके लिए आप यस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर पे सेलेक्ट करना है, रोल नंबर पे हम जाएंगे। फिर रोल नंबर हम चाहते हैं कि रोल नंबर भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री रिक्वायर्ड में यस कर देंगे, ठीक है। अब मार्क्स पे जाएंगे, मार्क्स का एंट्री हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब एड्रेस, अब एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आप नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लेंथ मिलेगा, ठीक है। आप कितने लेंथ का वैल्यू डालना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 50, ठीक है, 50 तो इनफ है नेम के लिए। फिर रोल नंबर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम इंटीजर का डेटा टाइप ले रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम इंटीजर का डेटा टाइप लेंगे तब हमें वहाँ पर लेंथ के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे तब हमें उसके बारे में लेंथ के लिए सोचना नहीं है, ठीक है। बाकी सब वेयर कैर वगैरह हो गए, उसमें आप लेंथ के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस 50, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे एड्रेस टाइप करने वाला हूँ, इसीलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे सेव कर दूँगा। लेकिन सेव करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि हम अलग अलग डेटा में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। तो किसी भी फील्ड को अगर हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो वो फील्ड यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फील्ड आपको यूनिक दिख रहा है, नेम, क्या नेम यूनिक है, नहीं। बहुत सारे लोगों का नाम सेम होता है, ठीक है। मार्क्स भी बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है, और एड्रेस भी बहुत लोगों का सेम हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या रोल नंबर सेम हो सकता है, अगर हम यहाँ पर एक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें इसे, तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा प्राइमरी की बन जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक की का निशान आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जो फील्ड है
रोल नंबर का ये हमारा जो है प्राइमरी की बन गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार किया है टेबल का, ठीक है। यहाँ पर हम अभी वैल्यूज एंटर नहीं किए हैं, ठीक है। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर को सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जब सेव करोगे तो आपके पास ऐसा पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको बोलेगा कि आपको टेबल का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो टेबल का नाम टेबल वन, ठीक है, रहने देते हैं इसे। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इसे क्लिक करके, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके सिर्फ एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया था, ठीक है, कि उसमें कितने सारे कॉलम्स हो सकते हैं और उनमें किन किन टाइप का डेटा भरा जा सकता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने उसमें दिया था, ठीक है, किसमें, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल में डेटा का एंट्री करेंगे, ठीक है। हम उसमें, तो टेबल में डेटा एंटर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेबल्स का ग्रुप है, यहाँ पर आपको टेबल्स का लिस्ट होगा, ठीक है। आप जितने भी टेबल्स क्रिएट करोगे अपने इस डेटाबेस में, वो सारे के सारे टेबल्स यहाँ पर शो होंगे, ठीक है, सारे। तो टेबल में अभी हमको एंट्री करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने टेबल में एंट्री करें, तो उस पर यहाँ पर हम पहले डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेटा एंट्री करना है, ठीक है। जैसे कि पहला हम डेटा यहाँ पर एंट्री करते हैं, उसके बाद अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में अपना कंट्रोल लाना है, तो आप टैब का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एरो कीज़ का भी यूज़ करते हैं या फिर माउस तो है ही। तो यहाँ पर हम टैब प्रेस करेंगे, ताकि देखिए ये जो हमारा कंट्रोल है वो दूसरे फील्ड में आ गया, ठीक है। अब रोल नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। फिर टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद हमारा कंट्रोल मार्क्स पे चला गया। अब मार्क्स हम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी एड्रेस आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे डेटा भर सकते हैं, ठीक। तो मैं कुछ और भी डेटा यहाँ पर भर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर हम रोल नंबर सीक्वेंस में डाल रहे हैं, लेकिन ये सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है। हम चाहें तो डायरेक्ट कोई और रोल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई दूसरा रोल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और फिर और सीक्वेंस हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने अपने टेबल में सारा डेटा एंटर कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जब भी आपको इसको व्यू करना हो, तो आप इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपका सारा डेटा शो हो जाएगा। फिर आप यहाँ से अपना डेटा चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको एडिट करना, ठीक है, डेटा टाइप वगैरह आपसे कुछ गलती हो गया तो उसको आप सुधारना चाहते हो, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने टेबल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जहाँ पर से आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हो, ठीक है। तो हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं। तो फॉर्म से यूज करके भी हम अपने डेटाबेस को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत अच्छा इंटरफेस मिलता है अपने डेटाबेस को एक्सेस करने का, ठीक है। तो फॉर्म्स का यूज करके भी हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 टैब्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाना है फॉर्म्स वाले टैब पे, ठीक है। फॉर्म्स में जाएंगे हम। अब फॉर्म्स में जाके आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप जैसे ही वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक पॉपअप आ जाएगा, लेकिन ये ज़रा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ देखने में लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस पॉपअप में अगर हम पहले ध्यान दें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले यहाँ पर टेबल्स और क्वेरीज, ठीक है। यहाँ पर हम अपने टेबल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी के ऊपर हम फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पर टेबल की जगह क्वेरी लिखा हुआ आएगा, और फिर उसका यहाँ पर क्वेरी का नाम लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर हम टेबल के बारे में एक फॉर्म बना रहे हैं, हम अपने टेबल के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं, तो ये एक टेबल है और टेबल का नाम यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है टेबल वन, जो कि हमने डाला था, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अवेलेबल फील्ड्स, ठीक है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस। तो ये सारे वो फील्ड्स हैं जो कि हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त डाला था, ठीक है। और यहाँ पर है फील्ड्स इन द फॉर्म। अब इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप अपने फॉर्म में कौन से फील्ड्स रखना चाहते हो वो सारे आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको नेम रखना है, तो यहाँ पर आप नेम पे सेलेक्ट करें।
आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए तो नेम इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारे फॉर्म में नेम आएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर भी आए तो रोल नंबर भी ऐसे कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई फील्ड यहाँ पर गलती से इधर भेज दिया है और आप चाहते हैं ये वापस अपने जगह पे चले जाए, यहाँ पर अवेलेबल फील्ड्स में आ जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सिंपली उसको सेलेक्ट करोगे और फिर इस वाले बटन को क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्म में से, तो वो वाला फील्ड जो है वो फॉर्म में से हट जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर जितने सारे भी फील्ड्स हैं, यहाँ पर जितने सारे भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे इधर आ जाएँ, ठीक है, फॉर्म में आ जाएँ, मतलब फॉर्म में आपको यूज़ करना है वो सारे के सारे फील्ड्स, तो यहाँ पर आप इस वाले बटन को क्लिक करोगे तो सारे के सारे फील्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया है। अब आपको यहाँ पर चाहते हो कि रोल नंबर पहले शो हो, नाम बाद में शो हो, तो रोल नंबर को आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, रोल नंबर देखिए आप ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह से आप ये ऑर्डर को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। और फिर अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि ये सारे फील्ड्स आपको वापस लेने हैं, फॉर्म में आपको नहीं डालना है, तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कीजिए, ये सारे इधर चले गए। तो अब हम क्या करते हैं, हम सारे फील्ड्स को इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी फॉर्म में ये सारे फील्ड्स रहेंगे, ठीक है। इसको हमने समझ लिया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड सब फॉर्म, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर से आप अपने फॉर्म का एक सेपरेट फॉर्म बना पाओगे जिसमें कि आप अलग अलग डिटेल्स दे पाओगे, ठीक है। तो इसको हम अभी रहने देते हैं, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद अगर मैं आपको इस पॉपअप को थोड़ा हटा के देखो, यहाँ से यहाँ पर आपको अपने टेबल का लेआउट शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अपने टेबल को किस तरह से आपको अरेंज करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये, फिर ये, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे रहने देता हूँ, तो इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं इसको सेलेक्ट करके रहने देता हूँ, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे देखने में, ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टाइल्स को अप्लाई करना है अपने फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे कलर्स का, ये सारे जो ये कलर्स हैं, हमें अपने फॉर्म का कलर कौन सा रखना है, ठीक है, कोई भी कलर आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली आइस ब्लू रख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर है फील्ड बॉर्डर, यानी कि ये जो फील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका बॉर्डर किस टाइप में रहेगा, जैसे कि 3D लुक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा 3D टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप फ्लैट पे करोगे तो यहाँ पर कोई 3D वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से बॉर्डर भी हटी गया, तो हम यहाँ पर 3D रहने देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे, सेट नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमें अपना फॉर्म का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने टेबल का नाम वहाँ पर डाला था टेबल वन, तो इसी तरह यहाँ पर हमें अपने फॉर्म का भी नाम डालना है। तो फॉर्म का भी नाम हम यहाँ पर सिंपली फॉर्म वन डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्म का नाम डाल दिया फॉर्म वन। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं फिनिश को, चलिए फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अगर नीचे में देखो तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड 1 of 6, यानी 6 रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पर हमें पहले रिकॉर्ड की डिटेल्स शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि कुछ बटन्स दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर हम इस वाले बटन पर क्लिक करें तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड 2 का इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्म के टाइप में शो होगा, ठीक है। फिर से हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, रोल नंबर 3 आ गया, फिर नेक्स्ट पे करेंगे रोल नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पीछे जाना है तो इस वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं, सिंपल है, पीछे जाएंगे रिकॉर्ड 2 आ गया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से डायरेक्ट पहला रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पर हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहला रिकॉर्ड आ गया। अब हम चाहते हैं हमें डायरेक्ट लास्ट वाला रिकॉर्ड देखना है तो हम यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसे लास्ट रिकॉर्ड आ गया। अब देख सकते हैं आप बगल में एक और बटन है, ठीक है, यहाँ पर, इससे क्या होता है कि आप इससे एक नया रिकॉर्ड डाल सकते हो अपने टेबल में, ठीक है। तो हम जैसे इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स भर ली हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये हमारा जो टेबल है उसमें स्टोर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक और बटन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा, ठीक है, क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा रिकॉर्ड, ये वाला जो रिकॉर्ड है ये सेव हो गया, जो कि हमने अभी अभी नया डाला है, ठीक है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड हमने अभी अभी इंसर्ट किया है वो असल में इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो हम टेबल्स वाले में जाते हैं, ठीक है, टेबल 1 को हम डबल क्लिक करेंगे,
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नया रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो गया है, रिशित रोल नंबर 12, मार्क्स और फिर एड्रेस, ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म्स की हेल्प से भी एक अच्छा इंटरफेस के साथ अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे क्वेरीज का यूज करके अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने डेटाबेस से कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा को निकालो, तो वहाँ पर आप क्वेरीज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेरीज जो है वो ऐसे कमांड्स हो सकते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर हमें अपने टेबल में से कोई पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्वेरीज के हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेरीज में बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, यानी बहुत सारे कमांड्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यानी उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं, पहला स्टेटमेंट जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से हम अपने पूरे टेबल में किसी भी पर्टिकुलर रो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपना डेटाबेस का जो फाइल है उसे ओपन करते हैं, ठीक है। हमने जो है डेटाबेस का फाइल ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेरीज के टैब में जाएंगे, ठीक है। क्वेरीज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाएंगे, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद स्टार, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद हम यहाँ पर टेबल नेम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो हम नॉर्मली टेबल नेम लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओपन ऑफिस बेस में डबल कोट्स के साथ टेबल का नाम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहली क्वेरी डालने वाले हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको जितने भी कीवर्ड्स आप यहाँ पर यूज़ करोगे वो सारे के सारे सेम केस में होने चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी क्वेरी में किसी भी कीवर्ड को कैपिटल में लिखते हो तो आपको सारे के सारे कीवर्ड्स को कैपिटल में लिखना होगा। अगर आप उसको स्मॉल में लिखते हो तो उसमें आपको सारे के सारे कीवर्ड्स को स्मॉल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक सेलेक्ट का क्वेरी डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमने टेबल वन में जितना भी डेटा स्टोर किया था वो हमें सारा का सारा दिख जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेरी डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर यहाँ पर हम स्टार देंगे, फिर हम यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या डालना है, उसके बाद आपको टेबल का नाम डालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेबल का नाम आप डबल कोट्स में डालेंगे, ठीक है। ओपन ऑफिस बेस में आपको एटलीस्ट डबल कोट्स में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल का नाम क्या था, टेबल वन था, ठीक है। तो जिस तरह से हमने टेबल वन का नाम डाला था उसी तरह से हमें यहाँ पर भी उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डबल कोट्स डाल देते हैं और डबल कोट्स के अंदर हमें टेबल वन का नाम लिखना है। तो हमने पहले उसमें टी कैपिटल था, तो टी कैपिटल, बाकी सब छोटा था, तो यहाँ पर सब कुछ छोटा लिखेंगे, ठीक है। टेबल वन, ये हो गया हमारा टेबल का नाम। उसके बाद हम सेमी कॉलन डालेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो क्वेरी है ये रन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप F5 भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड पे, उससे भी ये जो आपकी क्वेरी है ये रन हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो सारा का सारा रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप पूरे टेबल में से सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स देखना चाहते हो जिनका मार्क्स 70 से अबव है, ठीक है। तो उस केस में हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ हम टाइप कर देते हैं वेयर, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्पेस देना है, उसके बाद आपको फील्ड का नाम डालना है, ठीक है ना, फील्ड का नाम। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी फील्ड का नाम डालो तब आप डबल कोट्स में डालो, लेकिन अब जब भी वैल्यूज़ का नाम डालो, जब भी वैल्यूज़ वहाँ पर दो तब आप सिंगल कोट्स में डालो, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर फील्ड्स का नाम डाल रहे हैं, पहले हम फील्ड का नाम डालेंगे, तो हम डबल कोट्स में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो वेयर फील्ड का नाम क्या, मार्क्स, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जिन स्टूडेंट का मार्क्स 70 से अबव हो उनका रिकॉर्ड हमें शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर मार्क्स, ठीक है।
आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एम कैपिटल बाकी सब छोटा लिखा हुआ है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी नाम लिखेंगे एम कैपिटल बाकी सब छोटा, ठीक है। वेयर मार्क्स, फिर यहाँ पर हम लोग देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं मार्क्स ज़्यादा हो 70 से, ठीक है, तो मार्क्स ग्रेटर देन 70, ठीक है। अगर हमें ये बोला जाता कि हमें उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स निकालना है जिनका मार्क्स इक्वल है 70 का, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन के जगह पर इक्वल टू यूज़ करते हैं, फिर लेस देन वगैरह वगैरह आप वो सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि मार्क्स ज़्यादा हो 70 से, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमें उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाएगा जिनका मार्क्स 70 से ज़्यादा है। चलिए अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है जिनका मार्क्स 70 से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75, 75, 80, 85, 90, 95, तो यहाँ पर ये सारे के सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ एक और क्लॉज है जो है ऑर्डर बाय, ठीक है। वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमें रिकॉर्ड्स को इस तरह से देखना है कि हमारा जो ये रोल नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो। ऐसे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें शो हो रहा है, तो हम चाहते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फील्ड का नाम, हम यहाँ पर डालेंगे रोल नंबर के हिसाब से हम इसे अरेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फील्ड का नाम रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। डबल कोट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि फील्ड्स का नाम हम डबल कोट्स में डालते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पेस देंगे, उसके बाद हम चाहते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो ना कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखते हैं DESC, बस इतना सा लिखते हैं, उसके बाद सेमी कॉलम यहाँ पर पहले से दिया हुआ है तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए होगा तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग DESC के बदले यहाँ पर लिखेंगे हम ASC, ठीक है। इतना बस हमें लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए, लेकिन हम अभी चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे रन करेंगे, रन करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रोल नंबर 12 आया, फिर 5 आया, फिर 4, 3, 2, 1, यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हम अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, तो यहाँ पर रोल नंबर को हटा के आप मार्क्स लिख सकते हो, यहाँ मैं मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसे अगर रन करके देखें, ठीक है, रन करने के बाद अब आप देख सकते हो मार्क्स यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड हमें शो नहीं हो रहा है, हमें उन लोगों का ही रिकॉर्ड शो हो रहा है जिनका मार्क्स 70 से ज़्यादा हो। अगर हम चाहते हैं कि सारा रिकॉर्ड हमें शो हो तो ये जो क्लॉज है इसे हम हटा देते हैं यहाँ पर से, और उसका जो मार्क्स होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होगा, ठीक है। तो हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा सारा का सारा डिटेल्स शो हो गया है। पहले जो है हमें ये वाला रो शो नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका जो मार्क्स आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 20 है, यानी कि 70 से कम है, इसीलिए इसका रिकॉर्ड जो है वो इस टेबल में शो नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हमने वेयर क्लॉज को हटा दिया है, जिस वजह से हमें सारा का सारा रिकॉर्ड्स दिख रहा है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने स्टार लिखा है, ठीक है। इस स्टार का मतलब है कि ये जो चारों फील्ड्स हैं ये चारों फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेम शो हो और फिर मार्क्स शो हो, ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार को क्लियर करेंगे और यहाँ पर हम फील्ड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो फील्ड्स का नाम हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, पहले मैं क्या लिखूँगा नेम, ठीक है, नेम, पहले नेम शो होगा, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो दोनों फील्ड हैं नेम और मार्क्स, ये दोनों हमें दिखेंगे सिर्फ, और ये ऑर्डर किया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, अब रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ दो ही फील्ड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं इसे एक बार आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम ASC यूज़ करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ASC यूज़ करते हैं और डिसेंडिंग के लिए DESC, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से रन करेंगे,
चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, मार्क्स यानी जिसका सबसे कम है वो पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे कर करके आप यहाँ पर डेटा को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जो कि है इंसर्ट स्टेटमेंट। इसकी वजह से इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम अपने डेटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब तक हमने सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ क्वेरीज में जाते हैं, फिर क्वेरीज में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू में जाते हैं, फिर वहाँ पर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे स्टेटमेंट्स इसमें काम नहीं करने वाले, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पहले उसे लिखने के लिए हम यहाँ पर पहले टूल्स में जाएंगे, फिर यहाँ पर जो एसक्यूएल लिखा हुआ है इस पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एसक्यूएल जाने के बाद आपके सामने एक सिंपल सा ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पर आप अपना कमांड लिख सकते हो, फिर यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे रन कराने के लिए आप यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन दबा सकते हो, फिर यहाँ पर स्टेटस में आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका जो कमांड है वो चल रहा है या नहीं, या फिर कोई एरर आ रहा है, वो यहाँ पर आपको स्टेटस में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का आप पहले सिंटैक्स देख लीजिए, ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट किस तरह से हम यूज़ करते हैं, पहले हम लिखते हैं इंसर्ट, उसके बाद इनटू, यहाँ पर इंसर्ट के साथ हमेशा इनटू लगेगा, उसके बाद आपको टेबल नेम डालना है डबल कोट्स में, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट में कॉलम का नेम डालना है। मैंने आपको बताया है कि कॉलम का नेम आप डबल कोट्स में डालें और उसको सेपरेट कर सकते हैं आप कॉमा में, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस हमें, फिर पैरेंथेसिस का ब्रैकेट जो है वो क्लोज किया हुआ रहता है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ लिखा हुआ रहता है, फिर वैल्यूज़ के बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद हम कॉलम के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं और उसे भी हम कॉमा से ही सेपरेट करते हैं, उसके बाद एक सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये है इंसर्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ठीक है। तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम उससे एक नया रिकॉर्ड एंटर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट के बाद इनटू, उसके बाद हम यहाँ पर टेबल नेम लिखते हैं, ठीक है। तो टेबल नेम मैंने आपको बताया था डबल कोट्स में लिखेंगे, तो टेबल नेम क्या था, टेबल वन, ठीक है, टेबल वन था, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का नाम, ठीक है। कॉलम का नाम किस तरह से लिखना है, हमें पहले पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद हमें डबल कोट्स में कॉलम का नाम लिखना है। तो पहला कॉलम क्या था, नेम, ठीक है, नेम डाल दिया हमने। अब इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, एक नया यहाँ पर हम फील्ड देने वाले हैं, इसीलिए नेम था, उसके बाद रोल नंबर था, ठीक है। तो रोल नंबर भी हम दे देते हैं, रोल नंबर, उसके बाद फिर हम इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर एक नया फील्ड डालेंगे, नया फील्ड क्या था, मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स के बाद हम अब यहाँ पर एड्रेस का जो है फील्ड है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यूज़ डालना है, ठीक है। अब हम अपने कॉलम के रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़, उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे अपने कॉलम के रेस्पेक्टिव, यानी पहले नेम है तो पहले नेम डालेंगे, फिर रोल नंबर है फिर रोल नंबर डालेंगे, और फिर मार्क्स तो मार्क्स डालेंगे, फिर एड्रेस है तो फिर एड्रेस डालेंगे, ठीक है। और हम वैल्यूज़ को सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल कोट्स में पहले नाम लिखते हैं श्रुति, ठीक है। अब सिंगल कोट क्लोज, और यहाँ पर हम इसे सेपरेट करेंगे, अब यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे, उसके बाद हम इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर रोल नंबर में कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाल रहे, ठीक है। क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालो तो वहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू है। उसके बाद हम यहाँ पर मार्क्स डालेंगे, ठीक है। तो मार्क्स भी हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के डाल सकते हैं, तो मार्क्स मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 75, उसके बाद फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, फिर यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, एड्रेस भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर एड्रेस जो है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, ठीक है, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पर इसे
इन्वर्टेड कॉमास में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू डाल दिया, अब हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम एक सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, पहला कॉलम है यहाँ पर नेम, ठीक है। पहला नेम में जाएगा श्रुति, नेम में चला जाएगा श्रुति, फिर रोल नंबर में जाएगा 13, फिर मार्क्स में चला जाएगा 75 और एड्रेस में चला जाएगा BTPS, ठीक है। तो इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी हमने जो यहाँ पर कमांड लिखा है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं, तो इसे हम एक बार चेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम यहाँ पर टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद हम यहाँ पर इस टेबल को डबल क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि श्रुति का रिकॉर्ड जो कि हमने अभी अभी एंटर किया था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अपडेट। अपडेट में क्या होता है कि आप अपने टेबल में किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपडेट का मतलब है एडिट, यहाँ पर आप अपने टेबल को एडिट कर सकते हो। किसी मान लीजिए आपको अपने टेबल में कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने टेबल को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अपडेट स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ठीक है। तो अपडेट स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, सबसे पहले अपडेट लिखना होता है, उसके बाद हमें टेबल का नाम देना होता है जो कि हम लोग यहाँ पर डबल कोट्स में देने वाले हैं, उसके बाद लिखना है सेट, फिर कॉलम का नाम देना होता है, फिर इक्वल टू, फिर उसकी जो वैल्यू आपको देनी है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉलम का जब भी आप नाम डालो तो आपको डबल इन्वर्टेड कोट्स में डालना है, और जब आप वैल्यू डालो तो आप वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स डालो, ठीक है। तो पहले कॉलम का नाम, फिर इक्वल टू, फिर उसके लिए वैल्यूज डालेंगे, तो वैल्यू के लिए हम सिंगल कोट्स डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ भी वेयर यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर और उसके बाद कंडीशन, ठीक है। तो चलिए इसे हम यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं टेबल को विजिट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल में जो 11 रोल नंबर का जो स्टूडेंट है उसका जो मार्क्स है वो 20 से हटकर 10 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क्स को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर 11 है, ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। तो इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। अब हम क्वेरी डाल के ये काम करेंगे। तो हम यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, उसके बाद फिर SQL पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अपडेट का स्टेटमेंट डालेंगे। यहाँ पर हम अपडेट कमांड डालेंगे, तो पहले लिखेंगे अपडेट, अपडेट लिखा हमने, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नाम। तो टेबल का नाम टेबल 1 था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, टेबल 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाल दिया। उसके बाद हमें लिखना सेट, अपडेट के बाद हम सेट यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या सेट करना है, यानी कि हम यहाँ पर मतलब हम लोग कॉलम नेम डालने वाले हैं, उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू डालने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलम नेम यानी फील्ड नेम, तो हम लोग फील्ड नेम को किस तरह से लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या चेंज करने वाले हैं, मार्क्स चेंज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मार्क्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। पहले क्या था, पहले मार्क्स जो था रोल नंबर 11 का 20 था, लेकिन हम यहाँ पर उसे अपडेट करके 10 करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मार्क्स इक्वल टू 10 डाल देंगे, तो क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट्स देना चाहो तो आप दे सकते हो, वैसे उसे कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ सिंटैक्स क्या कर रहा है, अपडेट टेबल 1, अब हम यहाँ पर टेबल 1 को अपडेट कर रहे हैं सेट मार्क्स इक्वल टू 10, मार्क्स को ये 10 सेट करेगा, लेकिन किस में, कौन से रिकॉर्ड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं वेयर, यहाँ पर भी हम वेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर के बाद हम लोग कंडीशन डालते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर क्या है हमारा कंडीशन, यहाँ पर हमारा रोल नंबर जो है वो 11 था, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही सेम चीज़ डाल देते हैं, तो यहाँ पर रोल नंबर इक्वल टू 20 डालेंगे। तो रोल नंबर फील्ड नेम है, इसलिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, रोल नंबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहाँ पर 11 लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अपडेट टेबल 1, यानी टेबल 1 को इस तरह से अपडेट करो कि वहाँ पर मार्क्स 10 हो जाए, वहाँ पर जो भी वैल्यू हो मार्क्स की वो हट कर 10 हो जाए, कहाँ पर, जहाँ पर रोल नंबर 11 हो, ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ आ रहा है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। हम यहाँ पर अब इसे क्लोज करके चेक करेंगे कि हमारा कमांड क्या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या फिर नहीं। तो टेबल पर डबल क्लिक करेंगे,
देखिए, अब यहाँ पर हमने टेबल पे डबल क्लिक करके यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो रोल नंबर 11 था इसका मार्क्स यहाँ पर 20 से चेंज होकर डायरेक्ट 10 पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपडेट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट कमांड जो कि है डिलीट कमांड। अब नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पर हम किसी भी डेटा को डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो पहले हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो डिलीट स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं डिलीट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं फ्रॉम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद हम यहाँ पर टेबल का नाम डालते हैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में, और फिर वेयर, और उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अपडेट में किया था उसी तरह का यहाँ पर पहले वेयर लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद सेमीकॉलन। ठीक है, ये है सिंटैक्स डिलीट स्टेटमेंट का। तो चलिए हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे टूल्स में, उसके बाद फिर SQL पे जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉपअप में हम अपना कमांड डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब चाहते हैं कि रोल नंबर 11 का जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए, ना ही इसका नेम रहना चाहिए, ना ही रोल नंबर, ना मार्क्स और ना ही एड्रेस। ठीक है, तो ये सब हमें डिलीट करना है। तब हम क्या करेंगे, तो पहले इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ टूल्स में जाएंगे, फिर टूल्स में जाने के बाद SQL में अब यहाँ पर हम कमांड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे डिलीट डिलीट, उसके बाद फ्रॉम लगाएंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, टेबल का नाम आपको याद होगा टेबल 1 था, फिर यहाँ पर वेयर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, कैसी कंडीशन, हम यहाँ पर जानते हैं कि हम रोल नंबर 11 का जो रिकॉर्ड है उसे हम डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन भी उसी को लगाएंगे, वेयर रोल नंबर, रोल नंबर फील्ड का नाम है इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, रोल नंबर फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पर हम सेमी कॉलन देंगे। ठीक है, अब हम इस कमांड को ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डिलीट फ्रॉम टेबल 1, यानी कि उस रिकॉर्ड को डिलीट करो टेबल 1 में से वेयर रोल नंबर इक्वल टू 11, यहाँ पर रोल नंबर 11 हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज करके एक बार हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए आप या तो यहाँ पर क्वेरीज में जाके आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट स्टेटमेंट डाल के फिर से चेक कर सकते हो, या फिर वहाँ पर जो टेबल का फाइल था आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, और हमें सारा का सारा फील्ड्स चाहिए, तो हम यहाँ पर स्टार लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में टेबल 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर सेमी कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे रन करेंगे। चलिए, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब हमने रोल नंबर 11 जो है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर 11 आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिलीट स्टेटमेंट काम करता है। अब आता है क्रिएट का स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी हेल्प से हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिएट कमांड के बारे में, क्रिएट स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से हम लोग कैसे टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट स्टेटमेंट का सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट स्टेटमेंट का कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है। पहले हम लिखते हैं क्रिएट, उसके बाद फिर टेबल स्पेस देके, और फिर उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, टेबल का नाम लिख के हम पैरेंथेसिस के अंदर पहले फील्ड का नाम लिखते हैं, फिर स्पेस देके उसका डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम उस फील्ड में हम किस तरह का डेटा भरने वाले हैं उसका डेटा टाइप वहाँ पर लिखते हैं स्पेस देके, और फिर हम कॉमा देते हैं। फिर मान लीजिए हमें एक और फील्ड उसमें भरना है तो हम उस फील्ड का भी यहाँ पर नाम भर देंगे, और फिर उसके लिए कोई डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, और फिर डेटा टाइप का हम लोग वहाँ पर साइज़ भी दे देंगे। ठीक है, अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो वहाँ पर हम साइज़ नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन वेयर केयर वगैरह वगैरह है तो
तो वहाँ पर आपको साइज देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और फिर सेमीकॉलन, ये है क्रिएट स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अब क्रिएट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए आप पहले टूल्स में जाएँ, फिर यहाँ पर एसक्यूएल पे जाएँ, ठीक है। अब इस पॉपअप में आप यहाँ पर आप अपना कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट, फिर स्पेस देके टेबल, फिर यहाँ पर टेबल का नेम सजेस्ट करना है, तो यहाँ पर नेम इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग दे देते हैं। तो टेबल का नाम इस बार हम लोग स्टूडेंट्स रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में सारा लेटर्स जो है वो स्मॉल है, ठीक है। आपका मर्जी, आप यहाँ पर कुछ भी भर सकते हो, आपको स्मॉल भरना है तो स्मॉल भर सकते हो, कैपिटल भरना है तो कैपिटल भर सकते हो, लेकिन सिर्फ नाम में। ये हो गया हमारा टेबल का नाम, फिर हम यहाँ पर स्पेस देंगे, फिर पैरेंथेसिस देंगे, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम पहले अपना फील्ड का नाम देंगे, ठीक है। पहले फील्ड का नाम हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से पहले रोल नंबर देंगे, रोल नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी ये एक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको स्पेस भी देना है और उसके बाद इसका डेटा टाइप भी लिखना है, ठीक है। ये होता है क्रिएट स्टेटमेंट में, यहाँ पर आपको फील्ड नेम लिखना है, उसके बाद आपको इसका डेटा टाइप भी देना है, ठीक है। डेटा टाइप इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक और फील्ड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हम कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हम फील्ड का नाम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है। अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कोट्स क्लोज, यहाँ पर एक गलती से एक और डबल इन्वर्टेड कोट्स आ गया, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नेम, यहाँ पर हम स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर बताएंगे इसे कि कौन सा डेटा टाइप भरना है, ठीक है। तो डेटा टाइप हम यहाँ पर वेयर केयर ले सकते हैं, वेयर केयर ले लिया हमने, और वेयर केयर हमने लिया है तो हम यहाँ पर इसे अब इसका साइज़ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइज़ जब भी देंगे तो वो पैरेंथेसिस के अंदर देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं 50, ठीक है। 50 इसके लिए इनफ रहेगा। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक और फील्ड बन जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नया फील्ड का नाम लिखेंगे, नया फील्ड हम यहाँ पर बना लेते हैं मार्क्स का, मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर इसका हम लोग डेटा टाइप डालेंगे जो कि है इंटीजर, उसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब हम चाहते हैं कि एड्रेस का भी एक फील्ड आ जाए, तो हम यहाँ पर एड्रेस भी लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम एड्रेस लिख दिया हमने, और एड्रेस को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे क्योंकि ये फील्ड है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर स्पेस देकर इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे जो कि है वेयर केयर, ठीक है। हम यहाँ पर वेयर केयर ले रहे हैं, आप चाहे तो लॉन्ग वेयर केयर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेयर केयर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ वेयर केयर लेने के बाद हम इसका साइज सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो साइज़ हम यहाँ पर दे देते हैं 50, इसके लिए भी 50 ठीक रहेगा। फिर पैरेंथेसिस हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ये पैरेंथेसिस, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये पैरेंथेसिस हमने क्लोज किया है इस वैल्यू के लिए, यहाँ पर वेयर केयर का हम यहाँ पर साइज दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट खुल रहा है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक ब्रैकेट खुल रहा है और ये अभी तक क्लोज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम इसे लास्ट में क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल ब्रैकेट है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेमी कॉलन, बस ये रहा हमारा कमांड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कमांड क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कमांड कहना चाह रहा है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के नेम का एक टेबल बनाओ, जिसमें कि एक फील्ड डालो रोल नंबर जो कि इंटीजर डेटा टाइप का हो, एक फील्ड डालो नेम जो कि वेयर केयर डेटा टाइप का हो, जिसका वैल्यू, जिसका साइज 50 हो, एक फील्ड डालो मार्क्स का जिसका इंटीजर डेटा टाइप हो, एक फील्ड डालो एड्रेस का जिसका वेयर केयर का डेटा टाइप हो, जिसका साइज 50 हो, ठीक है। तो ये कमांड हमने अभी यहाँ पर लिखा है, तो चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसमें हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करके उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अभी इसे क्लोज कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारा जो टेबल है वो बना या नहीं, ठीक है। टेबल्स पे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ टेबल बना है, लेकिन हमने जो टेबल बनाया था स्टूडेंट्स का वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे और दोबारा से उस फाइल को हम खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं,
ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल्स में जाएंगे, तो टेबल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स का टेबल आ गया है यहाँ पर। अब जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार फील्ड्स देखने को मिल जाएगी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस। यहाँ पर आप डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट कमांड का यूज़ करके। तो इस तरह से आप क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो अब तक हमने देखा कि हम अपने टेबल को टेबल्स के फॉर्म में, फॉर्म्स के फॉर्म में, और फिर क्वेरीज की मदद से भी हम अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जितना भी काम किया है वो सारा का सारा हम रिपोर्ट देख सकते हैं रिपोर्ट टैब की मदद से। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अब अपने डेटा को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट्स वाले टैब में जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रिपोर्ट वाले टैब में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो है यूज़ विजर्ड टू क्रिएट रिपोर्ट, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टेबल्स और क्वेरीज, हम लोग किस चीज़ का रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो टेबल वन जो क्रिएट किया था मैं उसी का रिपोर्ट तैयार कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ टेबल और यहाँ पर कॉलन देके टेबल वन मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि कौन सा फील्ड आप चाहते हो कि इस रिपोर्ट में रहे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स रहें, तो मैं यहाँ पर इस वाले बटन को सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, और बाकी सारे बटन यहाँ पर जितने हैं उन सबको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि टेबल में हमने कॉलम का नाम नेम डाला था, तो क्या हम रिपोर्ट में भी उसका नाम नेम ही डालना चाहते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम नेम ही रहने देते हैं। अगर आपको चेंज करना तो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप अपने डेटा को, आप अपने रिपोर्ट को किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हो, किस तरह से आप अरेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर वन से लेकर जितना भी रोल नंबर तक है वो सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके हमारा रिपोर्ट दिखे हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉर्ट बाय है, तो यहाँ पर हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पर है भी। ठीक है, अगर आपको इस तरह से सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप इसको डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा चूज़ लेआउट, यहाँ पर आपको एक लेआउट चूज़ करना है। ठीक है, पहले तो आप अपने इस पॉपअप को पहले थोड़ा साइड में लेके आइए ताकि आपको यहाँ पर आपके रिपोर्ट का इंटरफेस दिख सके जब आप लेआउट चेंज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेआउट चेंज करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए लेआउट चेंज हो रहा है, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेआउट फिर से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से लेआउट जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हेडर्स और फुटर्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का आप क्या नाम रखना चाहते हो, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट का नाम रख देते हैं रिपोर्ट वन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका नाम रिपोर्ट वन लिख दिया। अब हम यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नीट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में हमें हमारा डेटा जो है वो अरेंज किया हुआ मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटाबेस में रिपोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर टेबल्स बनाना सीख चुके हैं, फिर क्वेरीज भी डालना सीख चुके हैं, फिर फॉर्म्स बनाना भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं और रिपोर्ट्स बनाना भी सीख चुके हैं। तो ये था क्लास 10 का डेटाबेस डेवलपमेंट का बेसिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।